नमस्कार, मैं हूँ साक्षी पचौरी और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें बदल सकती हैं, क्योंकि राज्य में पंचायती चुनाव होने हैं। इन चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब मई से शुरू की जा सकती हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिनों में बोर्ड परीक्षा की नई तारीखें को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, यानी कि अब यूपी बोर्ड परीक्षाओं की निश्चित तारीख तय की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार परीक्षाएं 8 मई से शुरू होकर 30 मई तक समाप्त होने की संभावना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तारीख पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक परीक्षाओं को मई में ही संपन्न कराकर जून के अंत तक परिणाम घोषित करने की योजना है। परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र सहित अन्य व्यवस्थाएँ पहले से ही तैयार हैं। कहा जा रहा है कि परीक्षा की तारीखों पर मुख्यमंत्री की मोहर लगते ही नई डेटशीट जारी कर दी जाएगी। बता दें कि साल 2021 की परीक्षाओं के लिए हाईस्कूल के 29,94,312 छात्रों और इंटरमीडिएट के 26,09,501 छात्रों, यानी कि कुल 56,03,813 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस साल परीक्षाओं के लिए 8,513 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ये थी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें से जुड़ी बड़ी खबरें, जिसे आप देख रहे थे खबर एक्सपर्ट पर। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत, टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विस मैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो, तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।